ग्वालियर से खबर जहां पर ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार 24 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। महाकाल के दर्शन कर अयोध्या जा रहे थे यात्री। तेलंगाना से आए थे दर्शन करने के लिए। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। मोहना इलाके में शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ग्वालियर से खबर जहां पर ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार 24 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ने से बात करते हैं। महेंद्र, हादसे से जुड़ी खबर आ रही है, अयोध्या जा रहे थे तमाम यात्री, इस तरह की जानकारी है, क्या कुछ अपडेट इस हादसे से जुड़ा हुआ? जी बता दूं कि ये जो तेलंगाना का एक ही परिवार, जो कि पूरे सभी एक ही परिवार के लोग थे, जो कि एक बस से, जो बस से तेलंगाना से निकले थे और वो उज्जैन से महाकाल दर्शन करने के बाद ग्वालियर से होते हुए मथुरा की तरफ, मथुरा से अयोध्या जाने के लिए निकल रहे थे। लेकिन उनका मोहना, जो ग्वालियर शिवपुरी हाईवे है, उस मोहना थाना क्षेत्र में इनकी एक जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बस और ट्रैक में, जिसमें सभी जो यात्री थे, जो कि दर्शनार्थी थे, सब दर्शन करने जो जा रहे थे, उनके सभी घायल हो गए, जिसमें कई लोगों को जो एक्सीडेंट में, कई लोगों के पैरों में चोट आई है, कई लोगों को फ्रैक्चर हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। इनको अस्पताल में तुरंत पुलिस ने भर्ती कराया है। साथ ही जो ट्रक चालक है, ट्रक को छोड़ के फरार हो गया था, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी महेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।